आज सका रोसई करने को बाहरली देखिली फ्रिज खोलिकी कौन सी परिवा एतिकी क्वांटिटीर ना कि नहीं पर्टिकुलर गोटे आइटम बनैबी देखु सबुथिरु गोटे 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 कोटा दुईटा कोटा तीन टा एमती लेखाएं परिवा थिला तो भाविली यही सब परिवा को मिसेकी गोटे मिसामिशी परिवा तरकारी बनईदेवी बोली। आ देखु ये परिवार अच्छी तीन टा पटल दुईटा मूला गोटे बैगण गोटे कदली तीन टा गाजर तीन टा आलू आ गोटे मुठी छोट बीटरूट नहीं सहित फाड़े कखारू आ गोटे कैप्सिकम आउ टोटाली एतिकी परिवा बाहरला। तो एतिकी परिवा को लेकिन रोसई करू करू देखंतु केते सुंदर गोटे पूरा आम ओडिया घरर घांटा तरकारी प्रस्तुत हो गला। दर्शक बंधु नमस्कार, मु प्रिंसी आपण मानक प्रिंसेस हांडीशाला को स्वागत जनाउची। मु आज आपण मानक सहित गोटे जुगाड़ू वाला स्वादिष्ट घांटा तरकारी रेसिपी शेयर करबी। देखुचंती केते सुंदर देखा जाउची, तार स्वाद मध्ये सेतिकी बढ़िया थिला। आ आशा करची मोर ए रेसिपीटा आपण मानक पसंद आसीबो। आ जदि रेसिपीटा पसंद आसीबो ताले वीडियो को लाइक करबा सहित चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब करबे और वीडियो को शेयर मध्ये करबे। तेबे चलंतु आजिर जुगाड़ वाला घांटा तरकारी रेसिपीटा हम आरंभ करिनबा। आ आजिर एही घांटा तरकारीटा मैं संपूर्ण देसी शैली रे बा हमर गाँ मानक जो घांटा तरकारी हुए सही शैली रे बनैबा। वीडियो को संपूर्ण भाव में देखिए, स्किप करेनि। आज जो सब परिवा को लेकिन मुझे घांटा तरकारी बनैबी सबको परिष्कार पानी रे भल भाव में धोईकी जो थी चोपा छोड़िया कथा चोपा छोड़े देकी सबको एमती छोट छोट साइज रे काटिकी रखिदेछि। बड़ साइज रे काटिले सिझिबा को टिके टाइम लागिबो, तो छोट साइज कर देछि। आ बैगण को मु एठी पानी रे काटिकी रखिछि। कटा बैगण को खाली रे रखिले कला पड़ जाए, सेथि पई पानी रे रखिबा कथा। गैस जालिकी कड़ईटा बसई देइथिले, कड़ईटा पूरा भल भाव में ताती गला परे मु एठी रिफाइन तेल नहींची। आपण माने चाहिए सोरिष तेल मध्य नहीं पारिबे। आ कखारू कदली और बैगण को छाड़िकी बाकी सबू परिवा को आमे तेल रे भल भाव में भाजी नेबा। आपण माने जदि चाहिबे परिवा को तेल रे मध्य छाणी पारिबे। मु किंतु एठी परिवा को भाजिकी आजिर घांटा तरकारीटा बनैबी। तो सबू परिवा को पकेला परे मु एथिरे किछि आवश्यक अनुसार लूण देकी ताकू मीडियम फ्लेम रे ढांकी देकी भल भाव में भाजी नेबी। 10 मिनिट पर्यंत मीडियम फ्लेम रे सबू परिवा को भाजिला परे आपण माने देखि परते परिवार तेल टिके छाड़िलाणी आ टिके दरसिजा हिलाणी। ए स्टेज रे आमे कदली और जो कखारू को काटिकी रखिथिले ताकू पकेबा। कदली और कखारूटा सिझीबा को बहुत कम समय निये, शीघ्र सिझी जाए, तो सेहिथि पे आमे आगे परिवा को पकेइथिले तापरे कदली और कखारू को पकेबा एवं ताकू मध्य 5 रु 10 मिनिट पर्यंत मीडियम फ्लेम रे कुक करिबा। तो मिक्स तरकारी पे हमें गोटे स्पेशल मसला तैयारी करिबा। मु एठी 2 स्पून जीरा और गोटे स्पून धनिया नहींची और ताको आधा घंटा खंडे पानी रे बतुरेकी रखी देथिली। सेतिमे से टिके फुली जाईची। पानी रे बतुरेकी ग्राइंडिंग करबा द्वारा शीघ्र ग्राइंड हो जाए और साउंड मध्य होएनी। आ 2टा स्टिक खंडे मु एठी दालचीनी नहींची, टिके अधिक परिमाण रे रसुण नहींची और अदा हाफ इंच रु अधिक नहींची। आ बटा मसला रे घांटा तरकारी करबा द्वारा बटा मसला रो जो गोटे फ्लेवर और टेस्ट आसे घांटा तरकारी रो स्वाद को से बढ़ी दे थाए। आ मु एठी किछि काजू मध्य नहींची, आपण चाहिले चारु मगज मध्य नहीं पारिबे। तो एतिकी जिंस को नेकी मु भलो भाव रे पेस्ट बनेकी नै आसीबी। देखंतु हमर एठी मसला मध्य बाटिकी प्रस्तुत हो गला। आ मु किछि सुखा लंका मध्य परे ऐड करथिली, भूली जाइथिली, तो सेही पार्टटा मु शूट करि पारनी। तो मसला बाटिला बेलकु मु एठी 5 रु 4टा खंडे सुखिला लंका मध्य नैथिली। पुणी 5 मिनिट पर मु घोड़णीटा उठेकी देखी देखूँ ये परिवा गुड़ा दरसिझा हो गलानी। तो बर्तमान आम ये बैगण पकेबा। आ बैगणटा सब परिवा भितर बहुत शीघ्र सिझी जाए, से आम बाकी परिवा सहित बैगण को पकई नथिले। तो ए बैगण को पकईकी ताको भल भाव में टिके गलई देकी आहरी 2 रु 3 मिनिट पर्यंत आम आपको फ्राए करनेबा। देखंतु परिवा गुड़ा सब भल भाव में फ्राए हो गलानी। आम एबे गोटे प्लेट को काढ़ी नेबा। तेल कढ़ई रे आहरी एतकी बळी थिला तो मु तेल ऐड करी नै। तो मु एठी तेलटा पुन टिके आउ टिके गरम करिकि तेजपत्र खंडे पकेछि एवं ता सहित मु गोटे हाफ स्पून खंडे जीरा फुटण पकेछि। आ जीराटा टिके फुटी गला बेलकु मु एठी 3टा छोट साइज रो कंचा लंका पकेछि। जीरा और कंचा लंका को हाफ मिनिट पर्यंत भाजिला परे मु एठी गोटे बड़ साइज रो प्याज को काटिकी पकेछि एवं आकु भाजी देबी। एही भली ब्राउन कलर होला पर्यंत हमें प्याज को भाजी नबा। प्याज ब्राउन कलर हिकी भाजी होला परे हमें जो मसला बाटिकी रखिथिले ताकु पकेबा एवं ता सहित हळदी मध्य ऐड करबा एवं मीडियम फ्लेम रे हमें आकु गोळे देकी टिके भलो भाव में 10 मिनिट पर्यंत कसी नबा। तापरे 10 मिनिट पर मसला ये अधा कसा ही आसला बेलू आम गोटे बड़ साइजर टमाटो काटिकी पकेबा एवं टमाटो सहित लुण देदेबा। खरादिनिया टमाटो सीझा को टाइम निये, तो ताऊपर टिके लुण पकईदे टमाटोटा शीघ्र सीझी जाए। टमाटो पकेबार 10 मिनिट पर मसलाटा ये भल भाव में कषि जाइए। आपण मैंने देखिपे साइड्रु तेल छाड़ा। बर्तमान आम जो परिवा सबको भाजिकी रखी सबू परिवा को एका सांगे पकईदेवा और भल भाव में टिके गोलई दे कसुरी मेथी 2 चम्मच पकेबा और भल भाव में गोलई देकी आम से मीडियम फ्लेम रे ही ढांकी देकी कषेवा छाड़देवा। कसुरी मेथी पकेबा द्वारा घांटा तरकारी टेस्ट भल आसवा सहित तार बढ़िया बासना आसी थाए। मसला सहित परिवा को 5 मिनिट पर्यंत कसिला परे मु घोड़णी उठेकी देखिली। देखंतु परिवा गुडा मसला सहित भल भाव में कोटेड हो जाइछंती। एबे आमे हमर आवश्यक अनुसार जेतिकी झोल रखिया को चाहतिबा से अनुसार आमे इथिरे पानी देबा एवं पानी देला परे पुणी भल भाव में टिके गोळई देकी लो टू मीडियम फ्लेम रे आमे ढांकी की छाड़ी देबा फुटिया को। और जेहेतु परिवा गुडा आमे भल भाव में भाजी देथिले तो हमर तरकारी को बेसी समय फुटिया को पड़िबनी, बहुत शीघ्र रेडी हो जिवो। देखंतु रोसई कर केते सुंदर घांटा तरकारी टी रेडी हो गला। आशा कर रेसिपीटा आपण मानको भल लागितबो। आ विश्वास करंतु टेस्ट मध्ये बहुत भल थिला। तो घरे जेते बेले कोनोसी परिबा भल परिमाण रे नथियो मन खराब करिवार नाही कि स्वामी को मध्ये हैरान करिवार नाही। एमती मिसा मिसी भाव रे गोटे घांटा तरकारी बनै देबे, बहुत ही टेस्टी। और घांटा तरकारी रे एते सारा परिबा जेतु पड़ते देह पई मध्ये बहुत हितकर। तो मोर आज रेसिपी ये समाप्त है। आशा कर मो रेसिपीटा आपण मानको पसंद आसीथिबो। आज पे रहूची, पुणी देखाबो आ गोटे नुआ रेसिपी सहित। चैनल रे नुआ थिले सब्सक्राइब करिया को अनुरोध। वीडियो को संपूर्ण रूपे देखिसेंती सेति पे आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद।